ना करो बहस, हार जाओगे। मुल्क गंदुम में खुद कफील नहीं, भारी फीसें ना दे सके तो फिर आदमी का कोई वकील नहीं। भी टेंशन है बढ़ती जा रही, फिर भी आ रहे हैं वासु चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो क्या शर्ट पहनी हुई आपने? क्या बात सर, शर्ट तो आपने पहनी गुलाबी। हाय हाय हाय, चेहरे पे ग्लो भी आ रही है। शर्टों पे जाइए तो फिर ओनली शर्ट देखो सर। जैकेट क्या बात है, मोची को सुनाई सर ने। बड़ी मुश्किल थी जिंदगी बची। क्यों? और जिन्ने कोके लाए खंबे दे लागे उन्होंने गया, करंट पै गया। अपने सौरे में कही जाता कहता जी कोका मेरा सत रंग दा मेरे ते लिखे उन्होंने। सर ब्याहां ते जाओ ना तो इस तरह की जैकेट वाले मुंडे ना मतलब टूपा वाला डांस कर रहे हैं। लीजिए पर बुलाते अपने आज के मेहमानों को, खास तौर पे अभी कराची से तशरीफ लाई हैं। वालदा भी एक्टर हैं, बेटी भी एक्टर हैं और साथ साथ राइटर भी हैं। आप सबकी तालियों में मोहतरमा फरिया जमी और अमर खान। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अम्मी जान और आपा जी भी और ऐसे कई रिश्ते, इनके बाएं हाथ का खेल रहा है बरसों टीवी पर। आज हमारी मेहमानी में फरिया जबी जी आई हैं। अच्छा, आई कराची से हैं लेकिन अंदर से लाहौरी है। दूरी नू जे दूरी समझे फिर मेरी मजबूरी समझे, ते खाली पेट नू लोड़े पाजी। अच्छा जी। खाली पेट नू लोड़े पाजी, किंजदी नू पूरी समझे। जिसे रुपया समझा था वो दमड़ी निकली, दमड़ी निकली। जिसे खाल समझा था वो चमड़ी निकली। क्या बात है। दूर से उसकी चाल हिरन की तरह लगती थी कैसर, पास आई तो वो लंगड़ी निकली। भैया जी क्या हाल है आपके? बेटे जीते रहे, सलामत रहे। थैंक यू कि मैं आज आपके शो में आई, और खावर साहब हमारे जो लेजेंड है, मुझे बड़ी खुशी है। ऐ ते मेरे पुत्र ने ना, ऐ ते मेरे बच्चे ने। अच्छा, ते तुहाडा ते मैं होर भी बड़े बड़े शुक्रिया अदा करने ने। इनू पैदा मैं कीता, ऐ ऑनियर गल करना चाहनी है जी जी। और ऐ बूटा इस मुंडे ने लाया। अरे आप ये किनके सामने क्या कह रही हैं? मुझे इसका कितना खुमियाजा नहीं भला। क्यों ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं जरा बात कर लूँ थोड़ी। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। जिसले बच्चे बड़े हो जाने तो उन्होंने अदब भी थोड़ा जा डरना पैंदा। वो इस तरह हुआ कि ये पढ़ी ये फिल्म विल्म लाई थी, तो मैंने कहा भाई पढ़ के दिखाओ, भले फिल्म पढ़ो म्यूजिक पढ़ो कुछ भी पढ़ो, पढ़ के दिखाओ, डिग्री लेके आना। क्या जब ये आई तो मुझे नहीं पता था इसके अंदर भी एक एक्ट्रेस छुपी हुई है जो अम्मी के डर के मारे बताती नहीं। जी। अच्छा, इसने मुझे कभी ना कहा कि मेरी कोई बात करो, सिफारिश करो। शॉर्टकट में बात करूंगी, ताड़ा प्रोग्राम मैं ते खा जाऊंगी गल्ला दी गल। वासे साहब का वैसे तो नाम और ये काम मैंने तो देखा हुआ था, मुलाकात नहीं थी। फिर मुझे इसने बताया कहीं इन्होंने फेसबुक पे ना इसका वो देखा, थीसिस का ना कुछ। ठाकुर साहब बड़ी वड्डी गल है। जी जी जी। कोई खुद राइटर होवे अज कोई अपने काम च, असि एक्टिंग होर हो पावे हो जी, जी, जी। असि माफ ही नहीं करदे, असि कहंदे नहीं असि जरा थोड़े जा बहुता शोखे हो जाइए। इसके बावजूद इन्होंने फेसबुक से इसको कहा कि तुम काबिल हो, ये अंदरून शहर के इतने डूंगे लफ्ज तुम कैसे लिख लेती हो। अरे वाह। राह चली ते अल्लाह इन्हां दे बच्चियां नूं बहुता बहुता दवे, बस फिर अल्लाह ने ब्रेक नहीं दी। मुझे पता था कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगी, इसलिए। मगर मैडम मुझे बताएं, क्या आपने जैसा कहा बचपन में कोई इन्होंने ऐसे सिग्नल दिए थे कि ये भी ये करना चाहती हैं जो आप कर रही हैं? आप यकीन करें कि मैट्रिक के बाद ये जो भवें थी इसकी मिली हुई थी बिल्कुल बकायदा। मैं नलायक तरीन पढ़ाई में और ये लाइक तरीन। अच्छा। उसने मेरी बड़ी लाज रखी इस बात की। कोई लड़का इससे आगे नहीं जाता था, स्टेट एज लिए
मैं सिंगल मदर मैं ही पालती थी, तो इसने अल्लाह ने पाला, तो ये बच्ची ने पढ़ के तो दिखा दिया मुझे ना। अंग्रेजी बड़ी अच्छी लगती थी जी पिया जी, मैं आप अंग्रेजी ना आती थी, मैं पढ़ाई समझ नहीं सा। बस सेम टू यू अभी। मेरी नजर में एजुकेशन का जो मेयार था ना वो था पिट पिट अंग्रेजी बोलना। नानी जो थी उनका डंडा था पहली पोजीशन हुंदी, ये पास पूस होना कुछ नहीं हुंदा। वाह वाह। तो फिर इसका स्कॉलरशिप लगा, फिर ये पढ़ती गई, फिर जब मैंने कहा कि इसने कहा कि मैं अगर आप कहें तो मैं ये फिल्म मेकिंग पढ़ लूं, मैंने कहा बिल्कुल पढ़ लो। लेकिन नचीली थी, डेक वेक इसका जो रूम अलहदा था उसमें अंदर। यानी कि आपको पहली बार कब एहसास हुआ, जब इन्होंने आके आपको खुद बताया था कि ये काम ये करना चाहती हैं, या उससे पहले कभी आपको शक हुआ था? सर मुझे पक्का यकीन था, ये आठवीं क्लास में ना रुदाली जैसी फिल्म देख रही है सीरियस होके। मैडम मुझे आप बताएं कि आपको ये लिखने का शौक कहाँ से हो गया? अच्छा आई थिंक इसका क्रेडिट मेरा इकलौता होने को जाता है, क्योंकि आई वॉज दी ओनली किड और मेरे कोई बहन भाई नहीं है। अम्मा हमेशा काम पे होती थी और मेरे अम्मी और अब्बू दोनों की ड्यूटीज मेरी नानी ने दी, तो अकेले कमरे में खुद के साथ वक्त गुजारने का मेरे पास बहुत वक्त था। तो आई थिंक जब भी इंसान अकेला होता है या तो वो मेंटल हो जाता है या फिर उसके क्रिएटिव कैथारसिस जो है वो किसी और डायरेक्शन में निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा इमोशनल आउटलेट जो था वो एक्टिंग करने से भी पहले राइटिंग था। बहुत अच्छा। तो आई थिंक वहां से ये। लेकिन बड़ी बात है कि आप राइटर हो गए, मेंटल नहीं हुए। बिल्कुल, हमारे पास भी एक अकेला बंदा था, वो राइटर भी हो गया और मेंटल भी हो गया। ये अलग बात है कि मेंटल मैं यहाँ 7 साल पहले हुआ था जब मैं इधर आया, और उसके बाद जो मेरे साथ हुई तो खैर वो उसकी वजह से हुआ। लेकिन अच्छा, तो आपने कहा दैट वाज द थिंग दैट लेड यू टू मे बी राइटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आपने जब पहली चीज की, एक तो वो जो आप बता रही थी फेसबुक नहीं, वो सोशल मीडिया था। हाँ जी, हाँ जी। सारे मेरे फेसबुक पे मैसेज आ कि वो ट्विटर पे था। हाँ, एक तो आपने उसके बाद जब लिखना शुरू किया तो साथ ही आपने डायरेक्शन भी कर दी, बिकॉज यू गॉट डिग्री इनटू डायरेक्शन एज वेल। बिल्कुल। एंड देन आल्सो केम इन एक्टिंग। एक्टिंग क्या वालदा की वजह से शौक हुआ? अच्छा, शुरू से आई थिंक जो जर्म्स थे वो तो एक्टिंग के ही थे, क्योंकि हर किस्म का म्यूजिक सुना था, अम्मा नूरजहां के और बड़े गुलाम अली साहब उनके गजलों पे, मेहदी हसन की गजलों पे, इनकी वजह से मुझे वो सुनने को मिली। फिर जाहिर है डांस वगैरह का शौक था, तो आई थिंक वो एक्टर रिलेटेड जर्म्स जो होते हैं डिफरेंट और फील्ड्स के, वो तो हमेशा से अंदर थे। अगर एक्टिंग में डिग्री मिलती तो शायद मैं एक्टिंग में ही डिग्री लेती। लेकिन आज से कुछ साल पहले, आज तक भी आपको जो आपका बैचलर है वो एक्टिंग में नहीं मिलता, वो फिल्म मेकिंग में मिलता। तो बस तुक्के से मैंने फिल्म मेकिंग कर ली, क्योंकि वो कोर रिलेटेड फील्ड थी और आई थिंक बस वहां से सफर। योर फर्स्ट राइटिंग इज नॉट अ ड्रामा, आपने फिल्म लिख छोड़ी। फिल्म लिख, ये आपको कहां से ख्याल आया? उमूमन तो लोग ड्रामा लिख लेते हैं क्योंकि ज्यादा एक्सेसिबल मार्केट है अगर आप राइटर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपने फिल्म स्कूल के दौरान मैंने कोई 5-6 शॉर्ट फिल्म्स लिखी जो बाहर के कुछ बड़े प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स में भी जो है वो गई और जीत के आई वहां से। तो फिल्म राइटिंग का शौक अपने फिल्म स्कूल के दौरान से ही मेरा वो सफर स्टार्ट हुआ। और यकीन माने मैंने कभी किसी प्रोड्यूसर के लिए फिल्म नहीं बैठ के कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं तो अब मैं आपके, मैं वैसा राइटिंग मैं कर ही नहीं सकती। तो कहानियां आज भी मेरे पास बहुत सी हैं और वो मैं किसी का वेट नहीं करती कि कौन आके फाइनेंस करेगा और फिर मैं उसको कंप्लीट करूं, वो मैं लिखती रहती हूं। वो लिखती रहती। तो इसी तरह जब आपने भी मुझे एक बार पूछा कि आपने कुछ लिखा हुआ है, तो अमूमन यहाँ पे हमारी नई जनरेशन यहाँ पे फंसती है कि जब कोई उनसे सीवी मांगता है या पोर्टफोलियो का पूछता है तो उनके पास कुछ नहीं होता। मेरे पास एक 90 पेज का पूरा बाउंडेड स्क्रिप्ट था जो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। तो आई थिंक आपकी मेहनत कहीं ना कहीं काम जरूर आती है। जवानी फिर नहीं होनी जड़ी नहीं, उन्होंने फॉरवर्ड की थी। वो फिल्म जो थी वो आप लोगों ने देखी, फिर दमस्तम जो इन्होंने फिल्म की थी वो तो उसका वो स्क्रिप्ट था। और मुझे याद है काफी पहले की बात है, तो 5-6-7 साल हो चुके हैं जब आपने पहली बार वो स्क्रिप्ट हमें दिया था, और मैं बड़ा अमेज हुआ था कि एक तो ये इतना वेल ऑब्जर्व्ड स्क्रिप्ट था वो, और उसके बाद यू नो बीइंग अ गर्ल, बिकॉज यहाँ पे खवातीन इतनी फिल्म नहीं लिखती, टेलीविजन ड्रामे में तो खवातीन ही खवातीन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग चीज थी कि बीइंग अ गर्ल आपने एक फिल्म स्क्रिप्ट लिखा हुआ था और वो भी इतना अच्छा लिखा हुआ था।